question, if a upon b equal to 25 upon 6, then the value of a square minus b square upon a square plus b square is. So here given kya a upon b equal to 25 upon 6. So squaring both sides. तो स्क्वायर करने से होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 36. अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो ये होगा ए प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस टी अपॉन सी माइनस टी. तो इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 625 प्लस 36 और ये 625 माइनस 36 सो इज इक्वल टू 661 अपॉन 589. पर इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो बाय इनवर्टेंडो तो ये हो जाएगा. सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 589 अपॉन 661. सेकंड मेथड, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 25k एंड बी इक्वल टू 6k और हम इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे. सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k होल स्क्वायर माइनस 6k होल स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर प्लस 6k होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 625k स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर अपॉन 625k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 589k स्क्वायर अपॉन 661k स्क्वायर. सो k स्क्वायर कैंसिल. सो इज इक्वल टू 589 अपॉन 661 आंसर. थर्ड मेथड, तो इसमें हम क्या करें, इसमें भी लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसमें हम बी स्क्वायर कमन लेते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1. बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 1 ए अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 1 और ए अपॉन बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 25 अपॉन 6 होल स्क्वायर माइनस 1 25 अपॉन 6 होल स्क्वायर प्लस 1 और इसको कैलकुलेट करने से हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये 625 अपॉन 36 माइनस 1 और ये 625 अपॉन 36 प्लस 1 और इसका एलसीएम लेने से ये 36 625 माइनस 36 और ये होगा 625 प्लस 36 अपॉन 36. 36 से 36 कैंसिल और ये होगा 589 अपॉन 661 आंसर.